नाज़रीन, इस इवेंट पर जहां हमने बहुत सारे लोगों से आप लोगों की बातचीत करवाई है, वहीं पर हमारे साथ एक खूबसूरत सी हसीना मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको इवेंट कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शीरीन। शीरीन क्या करती हैं आप? मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। शीरीन, हाउ इज़ दिस इवेंट और कैसा एक्सपीरियंस था आपका और लोग कैसे थे, इन्वायरमेंट कैसा था? एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा था, फैमिली ओरिएंटेड लग रहा था, अच्छी लॉट आई हुई है, मतलब इट वाज प्रीटी कंफर्टेबल और ओवरऑल अरेंजमेंट्स मुझे अच्छी लगी थी। एंड वन थिंग आई मस्ट से इज दैट आई मिस्ड आसिम अज़हर्स कॉन्सर्ट। अच्छा, तो उसका मुझे ज़रा दुख हुआ, मैं पहले निकल आया था, बट ओवरऑल द इवेंट इज़ रियली नाइस। अच्छा, प्रोग्राम का नाम है दिल दियां गल्लां, तो आपके दिल की बात क्या है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगे दिस इज़ माई दिल की गर्ल? दिल की गर्ल तो यही था, आई वॉज वेटिंग फॉर आसिम अज़हर बेसिकली। अच्छा। तो वो मेरा मिस हो गया। दिल दी गर्ल ये है कि आसिम अज़हर कुड़ी नु चंगा लगता है। या ये तो है। अच्छा, I love his singing। अच्छा, उनका कोई गाना सुना दो। सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। ओके, द लास्ट थिंग इज़, किसी को कोई मैसेज देना है, कोई दूर बैठा हुआ है, कोई करीब है, या किसी को भी कुछ कहना चाहें, ऑन कैमरा, कैमरा आपके सामने है, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, व्हाट यू वांट टू से? अकॉर्डिंग टू माय ओन एक्सपीरियंस, उस पर मैं बेस करके कहूँगी कि बिफ़ोर यू कम ओवर प्लीज़ थोड़ा अंदर की इन्फॉर्मेशन लेके आना कि कौन किस वक्त क्या परफॉर्म करे, क्योंकि आई मिस आसिम अज़हर्स कॉन्सर्ट, तो उसका थोड़ा सा वो लेकर आए। बट बाकी ये कि आई वुड जस्ट गिव दिस मैसेज, डू कम टू दिस काइंड ऑफ गैदरिंग्स, ये आना चाहिए, फैमिली के साथ आओ, थोड़ा अपनी नॉर्मल रूटीन से आप थोड़ा हट के उस चीज़ से निकलते हो, यू नो यू फील कंफर्टेबल एंड फ्री एंड ओपन, तो ज़रूर आएँ और इस तरह के फेस्टिवल्स में हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़।